Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel. और आज हम देखने वाले हैं युकानो की शादी का व्लॉग जिसका टाइटल है How I Met Your भाभी, जो एक और ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया था. तो देखते हैं कि उनकी शादी कैसे हुई. इतने सारे व्लॉग्स हम देख चुके हैं उनके और जो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, आज हम देखने वाले हैं फाइनली उनकी शादी का व्लॉग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नवंबर 2020 हल्का सा दिख गया फेस. हाँ, हल्का सा, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया है तो ज़्यादा अच्छा किया. अच्छी बात है. हैं 7 months later. क्या पूरी स्टोरी बनाई हुई है क्या उन लोगों ने मूवी की तरह? देखो यही लग रहा है. ओ मुरो, चलो. सो Who wants to start? I don't want to talk about it. तुम्हारा ये आइडिया था यहाँ पे आना. And now you don't want to talk about it. ऐसे करते हैं ना, जरा थोड़ा शुरू से आते हैं. तो आप लोग कैसे मिले? देखो उसका फेस अभी भी नहीं दिखा रहा है. परेशान क्यों है? अच्छा टेवन, कितना बच्चा सा लग रहा है ना. क्या मैं की मदद कर सकता हूँ? अच्छा उसने मास्क लगा रखा है. जादू देखिए ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? चले. हाय हाय, साइकिल पे बैठा लिया. हाँ देखो Coco Pops. Ayla. Le. D3. ये तो कतई बॉलीवुड. अच्छा हीरो आ गया. आपका बैग. थैंक यू माय हीरो. आप लोग असल में इस तरह तुम बताओ ना. So we met through Snapchat. Sorry? Snapchat. We met through Snapchat. Snapchat. Black, yeah? So we met through Snapchat. Oh, Snapchat ke through, to isme kaun si buri baat hai? Matlab, aaj kal to bahut se young couples Snapchat. Snapchat pe kaise couples bante hain? Phir, aap, aage kya hua? Phir, humari nikah hui. In 3 months. 3 months? 3 महीने में. Wow, that's fast. Tell me about it. What did you say? Oh, sorry. निकाह के बारे में आप बताने लगे थे. November 2019. ये उसका दुपट्टा उड़ा हुआ है जो भी वो उड़ी थी. You wake? No. मैं अपनी निकाह पर खुद ब्लॉग कर रहा हूँ. अपने निकाह पर खुद ब्लॉग कर. पर कुड़ियाँ देना बहुत स्वीट है. हमारे आ जाएगा पर सबर सबर सबर, ये तुम निकाह नामा साइन करने में इतनी देर क्यों लगा रही थी? I have lawyers in my family. It's called due diligence. तुम्हारी family क्या ही बात है? Due diligence. बात तो तुम्हारी family की है. Always on time. शादी पे late कौन आया था? एक सेकंड. यार अभी हम निकाह की बात कर रहे थे, खुशियाँ बांट रहे थे, इतना मजे का vlog चल रहा था, उसका तो बताए ना. कसमानों का नहीं.
फिर निकाह के बाद क्या हुआ? लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस? लॉन्ग डिस्टेंस क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस. पाकिस्तान में सिर्फ निकाह के लिए आई थी, बट ओरिजिनली आई बिलोंग फ्रॉम सऊदी. ओह. सो राइट आफ्टर द निकाह आई वेंट बैक टू सऊदी फॉर वन होल ईयर. अच्छा, एक साल के लिए. सो एनी इश्यूज ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस? कुछ ज्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया. तो ये चली क्यों गई? सो what do you think of the dress? This is not the one that we chose. Wedding dress ke issues the. Dress issues to sara koi hote hain bhai. Phir kya hua? एक साल की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद फाइनली आवर वेडिंग डेट वाज सेट एंड आई वाज ऑन माय वे टू पाकिस्तान. और हाँ, जब आसपास इतनी खुशियां हों तो वेडिंग ड्रेस इश्यूज कैसे? एंड आफ्टर ट्राइंग इट आउट आई एक्चुअली लाइक माय वेडिंग ड्रेस एंड नाउ टाइम टू बाय हिम हिज वेडिंग सूट. हाउ डू यू लाइक योर सूट? सूट रेडी हो गया. ये वाली पहनने जूते इस वक्त मेरे हाथ में. असद जो है दुबई में शॉपिंग कर रहा होगा, सो लेट्स चेक इन विद हिम कि उसे जूते मिलेगी नहीं. अच्छा लग रहा है. यू खानो, तेरी शादी के लिए, तेरे शूज के लिए मुझे जल्दी आना पड़ा. अभी ओके लॉक कर दिए जाए. शादी की शॉपिंग और वेडिंग वेन्यू बुक करने के बाद फाइनली वी हैड टाइम कि हम घर के लिए अप्लायंसेस की शॉपिंग करें. सो वी बोथ वेंट टू डॉलन्स एक्सपीरियंस स्टोर इन पेशावर. इस स्टोर की सबसे खास बात ये थी कि आप हर चीज ट्राई कर सकते थे बिफोर बाइंग इट. अच्छा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. ट्राई भी कर सकते थे, तो बढ़िया है. ये अच्छा था. हम दोनों मिलके दुनिया देखेंगे, आंखों साफ तो बन जाए यहाँ. हम वेडिंग शॉपिंग खत्म कर रहे थे और वहाँ डांस प्रैक्टिसेस शुरू हो रही. गाना ना हो शादी में, ऐसा हो ही नहीं सकता. Finally the day has come. I am on my way to Islamabad. The horse is taking me with the entire family, team guardian, beach as well. The horse is making. हाँ, ये इस्लामाबाद से है ना? और जब मैं ये अपने vlogs भी इस्लामाबाद से start करता हूँ. Married. Vlog जो है ना चालान के बगैर कभी complete नहीं होता. खासी हमारा second time है vlog में, मैं चालान हो रहा हूँ on the motorway. बट इस बार मैं नहीं हूँ. इस बार ना मैं हूँ. इस बार मेरी बहन चालान भी है और अबू फ्रंट से. छोटी गाड़ी का चलान हुआ है, कंफर्म कर दें. अच्छा, छोटी गाड़ी का हुआ है ना? मेरी गाड़ी का तो नहीं हुआ. छोटी गाड़ी का हुआ, वहाँ साहब आपको चलान हो गया. वहाँ मेरी गाड़ी दुल्हन की तरह सज चुकी थी और यहाँ मैं अपनी शादी के कपड़े खुद इस्त्री कर रहा था, अच्छे बच्चों की तरह.
फाइनली रेडी नाउ ऑफ टू द वेन्यू क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम शूट होना है. वेडिंग फोटोग्राफर कहाँ है? आज हमारी वीडियो पे भर भर के कॉपीराइट आएगा. सारे सॉन्ग्स डाल रहे हैं. आपका मेकअप किसने किया? अच्छी लग रही है. मिस फाइजा सलोन ने. मिस फाइजा शाउट आउट टू मिस फाइजा. मेरा मेकअप टोनी एंड गाय ने किया. कोई मेकअप नहीं किया मैंने. बिना मेकअप के ही अच्छा लग रहा है. So done with the shoot. अब मैं वापस बाहर जा रहा हूँ. अच्छे लड़कों की तरह दोबारा एंट्री करूँगा with the boys. ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. नहीं यार, बस. I have committed. ये ले. रास रास रे. तो मुरू सबर मुझे टिप्स दे रहा है शादी की. क्या क्या चीज चेंज करनी पड़ती है ताकि पीछे शुड हैव किड्स इन द फर्स्ट ईयर. ओह माय गॉड, दैट्स इट. जस्ट लॉक द डोर. नो. डू यू हैव किड्स? हां, आई विश आई डिड. और रूटीन पे क्या फर्क आना चाहिए? हमारा रूटीन सुबह सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे सोना है. ये सेफ जिंदगी. नो वन व्हील. हैव द किड्स. हैव वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक. खुश होने से पहले भी कभी देखा इतना खुश. यार ये आखिरी खुशी है. इसके बाद जो है ना सिर्फ ये देखिए ना शादी का मेरे साथ खड़ा है. इसके बाद सिर्फ गम ही गम. डांस कर रहा है. ये तो गाना लगता है शादियों के लिए ही बना है. अब मैं जा रही हूँ रुखसत होने के लिए. थैंक यू सो मच बॉय. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शादी की तैयारियों से लेकर रुखसती तक सब खैर खैरियत से होगी. बट द बेस्ट पार्ट वाज द सलामी. एक तेरा. एक मेरा. दो तेरा. दो मेरा. दो मेरा. तीन तेरा. बराबर. तीन मेरा. बराबर. 50-50 बराबर है. एवरीथिंग ओके. हैप्पी. वेरी हैप्पी. नो चीटिंग. नो चीटिंग भाई. अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई. नहीं नहीं, यू आर ग्रेट. वाओ. फाइनली वलीमा भी खत्म हो गया, बारात भी हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट स्मूथ. स्टॉप व्लॉगिंग. अब तो इनको आदत डलवा लेनी चाहिए. क्यों बॉयज? ये मेरी नानी है. इनकी दुआओं से मैं अभी तक यहाँ तक पहुंचा हूँ. तो थैंक यू नानी. बट ड्यू टू कोरोना शादी के लिए मैं एक वही कहने वाली थी, कोविड की वजह से नहीं आई होंगी. क्यों नानी? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ठीक है. अल्लाह हाफिज.
अबू को मैंने थैंक यू नहीं किया, अबू थैंक यू मेरी शादी करवाने के लिए। कुछ टिप्स देंगे आप, शादी कैसे चलती है यार, अभी तक आपकी चल रही है तो मुझे प्लीज मेरा बकाया दे दो और जो खर्चे हुए मैंने उधार पे काम सब बता दिए, सब बता दिए गाइना सुभान अल्लाह अगर तस्वीरों ने मुझे तो उसको नहीं मिला उसी का ना we never got the pictures स्टाम और बहुत सपोर्ट है किस इंतजार की should call them or something चले टाइम इज अप जी जाते हुए प्लीज इश्टी पिश्टी को मेरी फी देते जाए थैंक यू सो मच नो प्रॉब्लम ओ बाय द वे आपने हनीमून का नहीं बताया द हनीमून वॉच द मॉन्टाज The montage. Ah, the montage. ब्लॉग कम था, कॉमेडी मूवी ज़्यादा थी। अगर ऐसी शादी की मूवीज़ होने लगे सबकी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, जैसे कि होता है इंडिया में, शायद पाकिस्तान में भी सिर्फ गाने होते शादी की मूवीज़ में और वो एक तीन चार पोजेस और उन्हीं में शादी की मूवी ख़त्म हो जाती है। हाँ, लेकिन उसको बेचारे को अपनी शादी में खुद ही ब्लॉग बनाना पड़ रहा था, ब्लॉग बनाना पड़ रहा था, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा था, यादगार भी था और पैसे भी बच गए, ब्लॉगर होने का फायदा, पैसे भी बच गए, मूवी खुद ही बन गई, मूवी खुद ही बना ली और खुद ही अपलोड भी कर दी, उल्टा पैसे कमा लिए हाँ। उसका ब्लॉग बना करके, तो ये अच्छा आइडिया वैसे। और सबसे अच्छी चीज कि इंटरेस्टिंग था, कुल मिला के 17 मिनट का वीडियो था, वसूल था और टाइम वसूल, पैसा वसूल तो नहीं कहेंगे, हमने टाइम ही दिया इसमें, टाइम वसूल कहेंगे कि पूरा हमारा टाइम यूटिलाइज हो गया अच्छे से और मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। लास्ट में जो उन्होंने और थोड़े बहुत पिक्चर्स दिखाई वहाँ की, वो हो सकता है शायद उसके ऊपर एक और वीडियो आए, हाँ लेटर शायद कोई वीडियो देखने को मिल सकता है उसके ऊपर, बट उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स दिखा दिए कि वो कहाँ गए, जो कि अच्छा था, वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट का हो गया था तो शायद इस वजह से उन्होंने उसको छोटा करने के लिए। सो जिसने भी हमें ये वीडियो सजेस्ट करी थी, थैंक यू सो मच, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि आपको मज़ा नहीं आया तो इंटरनेट के पैसे मुझसे ले लेना, तो हमें बहुत मज़ा आया देखकर, थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।